बात सन 1845 की 28 मई की तीसरे पहर की है। एक पालकी चांदनी चौक से लाल किले की तरफ जा रही थी। पालकी कमखाब और जरी के कपड़ों से ढकी हुई थी। 8 कहार उसे अपने कंधे पर उठाए हुए थे और 16 तातारी बांदियां नंगी तलवार लेके उसके इर्द गिर्द चल रही थी। पालकी के पीछे 40 सवार थे, जिनका सरदार एक उम्मेद घोड़े पर सवार था, जिसकी बहुमूल पोशाक में एक हलसी तलवार लटक रही थी। उसने अपनी मूछों पर गंगा जमनी काम करा रखा था। उसकी घनी दाढ़ी के बीच अंगारों के दहकते हुए चेहरे पर उसकी आंखें चमक रही थी, जिन्हें वो इधर उधर घुमाता लेकिन बड़ी सावधानी से पालकी के पीछे चल रहा था। भयानक गर्मी से दिल्ली तप रही थी। तब दिल्ली की सड़कों पर आज के चारकोर की तरह चमक नहीं थी। घंटाघर के पास एक हौज था जो कि चांदनी चौक के नहर से मिला हुआ। पालकी इस वक्त जिस स्थान से गुजर रही थी वहां हौज के पास अच्छा खासा धोबी घर जमा था। लोग नहा रहे थे, कपड़े धो रहे थे। सराय के फाटक के पास कुछ देसी विदेशी लोगों का जमघट था। पालकी निश्चित ही कहीं इस वक्त दूर से आ रही थी। घर पसीने से लथपथ थे, उनकी सांसें फूल रही थी, वो हांप रहे थे। ऊपर से उनका सरदार उन्हें जल्दी से चलने के लिए ताकीद कर रहा था, पर ऐसा लगता था कि अब उनसे आगे चलना असंभव है। कहारों में एक बूढ़ा कहार था। उसका हाल बहुत ही बुरा हो रहा था। कुछ कदम और चलकर वो ठोकर खाकर गिर पड़ा और पालकी रुक गई। तातारी बांदियां ठिटक कर खड़ी हो गई। अफसर ने घोड़ा बढ़ाया। वो बूढ़ा कहार अभी संभला ना था कि एक चाबुक तपाक से उसकी गर्दन और कनपट्टी की चमड़ी उधेड़ गया और साथ ही बिजली की कड़क की तरह उसके कान में शब्द पड़े, उठ एधोजा के कुत्ते, देर हो रही है। बूढ़े कहार ने उठने की चेष्टा की पर उठ ना सका, वो गिर गया। गिरते ही 10, 20, 25, 50 चाबुक तरह तरह पड़े। खून का फवारा छूटा और कहार का जीवन प्रदीप बुझ गया। लाश को पैर की ठोकर से ढकेल कर अफसर ने अपनी खूनी आंखें भीड़ पर दौड़ाई। एक गठीला गौर वर्ण युवक फटे मैले वस्त्र पहने भीड़ में सबसे आगे खड़ा था। मुश्किल से रेखे भीगी होगी। अफसर ने पालकी उठाने का हुक्म दिया। युवक आगे बढ़ा। दूसरे ही क्षण तपाक से एक चाबुक उसकी पीठ पर पड़ा और साथ ही ये शब्द, साला जल्दी। युवक ने विकृत स्वर में जवाब दिया, जनाब हुक्म बजा लाता हूं मगर जबान संभाल। उसके बाद 10-20 चाबुक खाकर युवक वहीं तड़प कर गिर गया और उसके नाक और मुंह से खून का फवारा बह चला। अफसर ने एक आदमी को कंधा देने का हुक्म दिया और क्षण भर में पालकी फिर अपने राह लगी। चिराग जल चुके थे। दीवाने खास में हजारा फानूस की तमाम काफूरी मोमबत्तियां जल रही थी। जमुना की लहरों से धुलकर पूर्वी हवा झरोखों से छन छन कर आ रही थी। खास खास दरबारी बादशाह सलामत के तशरीफ लाने की इंतजारी में अदब से खड़े थे। सामने एक चौकी पर वही युवक लहू लुहान पड़ा था। अंतःपुर के झरोखों से परिचारिकाओं के कंठ स्वर ने कहा, होशियार, अदब, कायदा, निगहदार। उमराव मंडल और मंत्री मंडल जमीन तक सर झुकाकर खड़ा हो गया। संपूर्ण दरबार में निस्तब्धता छा गई। धीरे धीरे वृद्ध सम्राट बहादुर शाह दो सुंदरियों के कंधों का सहारा लिए भीतरी ड्योढ़ी से निकलकर सामने सिंहासन पर आ बैठे। चार बांदियां मोर्चा लिए बगल में खड़ी हुई। चौकदार ने पुकारा, जिल्ले इलाही, बरामद कर मुजरा अदब से। ये सुनते ही एक उमराव सहमा हुआ अपने स्थान से उठा और बादशाह सलामत के सामने जाकर उसने 3 बार झुककर सलाम किया। उसके बाद बादशाह ने वजीर को संकेत किया। वजीर ने जवान से कहा, जवान, तुम्हारे हालात बादशाह सलामत अगरचे सुन चुके हैं मगर तुम्हारी खास जबान से सुनना चाहते हैं। तमाम हालात मुफस्सिर में बयां करो। युवक ने जमीन में लोट लोट कर सारा मामला बयां किया। बादशाह ने फरमाया, सब हर पहर सही है, कहां है वो जालिम जमीन? जमीन तक के सामने आकर घुटनों के बल गिर गया। बादशाह ने फरमाया, जमीन तुझे कुछ कहना है? बादशाह ने हुक्म दिया, सीधा खड़ा करो इस जालिम को, इसे नौकरी से बर्खास्त किया जाता है और इसका दर्जा इस नौजवान को अता किया जाता है। इसकी तमाम जायदाद जब्त की जाती है और उस कहार के घर वालों को बख्श दी जाती है। हुक्म देकर बादशाह उठे और तुरंत 4 बांदियों ने सहारा दिया। दरबारी लोग जमीन तक झुक गए। बादशाह ने युवक के निकट आकर कहा, आराम होने तक शाही महल में रहने की तुम्हें इजाजत बख्शी जाती है और शाही हकीम तुम्हारे मालजे को मुकर्रर किए जाते हैं। युवक ने बादशाह की कदम बोसी की और पल्ला चूमा। बादशाह धीरे धीरे अंतपुर में प्रवेश कर गया। अंतपुर के उन झरोखों के भीतर
जहां किसी भी मर्द की परछाई पहुंचनी संभव न थी, एक बहुमूल्य मखमली गद्दे पर वो घायल युवक पड़ा अपने प्रारब्ध विकास की बात सोच रहा था। एक ही दुखदायी घटना ने जिसे शायरी को निमंत्रित करे उसके भाग्य का पासा पलट दिया था। वो सोच रहा था, क्या सचमुच मेरे ये फटे चीथड़े, वो टूटा छप्पर का घर, वो माता का चक्की पीसना सभी बदल जाएगा। वो जागते जागते स्वप्न देखने लगा, एक धवल अटालिका, दास दासी, घोड़े, हाथी, सेना और न जाने क्या। पर सभी विचारधाराओं के ऊपर उसे एक नवीन विचारधारा मूर्छित कर रही थी कि वो कौन है। वही क्या इस भाग्य परिवर्तन की कुंजी नहीं? पालकी के उस दुर्भेद पर्दे के भीतर यह सोच में वो मूर्छित हो गया। हटात उसकी विचारधारा को धक्का देते हुए कक्ष का पर्दा हटाकर दो दासियों ने एक खोजे के साथ प्रवेश किया। दासियों के हाथ में भोजन की सामग्री थी। कहीं स्वप्न सुख की तरह यह राजभोग भी लुटना हो जाए, इस भय से वो घायल युवक लपक कर उठा। खोजे ने कहा, खाना खा लो और खुदा का शुक्र करो। हुजूर शहजादी तुम पर बहुत खुश है और जल्द तुम्हें देखने को तशरीफ लाने वाली है। कुछ पलों के बाद शहजादी ने कक्ष में प्रवेश किया। द्वल्प व्यस्त का दासियां परछाई की तरह उनके पीछे थी। शुभ्र महीन रेशमी परिधान पर जरदोजी और सलमे का पारी काम निहायत ही फब रहा था। वो भारत के सम्राट की पौत्री शहजादी गुलबानु थी। कुछ क्षण के लिए ही सही, वो युवक उस अति दुर्लभ मुख की ओर देखने का साहस कर सका। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन शायद उसके शरीर को सत निकल गया था। वो वहीं पर पड़ा पड़ा आगे खिसक कर उसने अपना माथा शहजादी के कदमों में रख दिया। शहजादी ने जैसे फूल बिखेर दिए। उसने कहा, कल के हादसे का मुझे बहुत पंच है, लेकिन लगता है तुम एकदम ठीक हो गए। मैंने पालकी में से पूरा नजारा देखा था, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। मैंने आते ही दादा जान से शिकायत कर दी। युवक कुछ नहीं बोला। उसने आगे बढ़कर शहजादी का आंचल चूम लिया और बार बार चूम कर बोला, खुदाबंद शहजादी, कल अगर आपकी पालकी खाक नसीब ना होती तो आज दिन की देखने को कहा। आपने इस नाचीज गुलाम को निहाल कर दिया। तावेदार ताऊन आपके कदमों का नमक हलाल रहेगा। शहजादी कुछ नहीं बोली, वो चली गई, लेकिन शायद अपनी खुशबू वहां छोड़ गई थी। उसी खुशबू से उस युवक के घाव ठीक हो गए थे। वो उस जगह पर जहां शहजादी के कदम पर पड़े थे अपनी छाती से लगाए बदहवास पड़ा रहा। उसने मूर्ति को क्षण भर के लिए देखा था, लेकिन उसके रोम रोम में रम गई थी। लेकिन दुनिया के पर्दे पर ऐसा कौन सा मर्द बच्चा होगा जो फिर से शहजादी को देखने का हौसला कर सके। 12 साल बीत गए। बात 1857 की 24 मई की है। गदर की आग धुधु करके जल रही थी, चिंगारियां आसमान छू रही थी। निकलसन ने दिल्ली पर डेरा डाल रखा था। भाग्य के बल पर लाचार और बूढ़े बादशाह बागियों का साथ दे रहे थे, बागी पल पर हार रहे थे। कश्मीरी दरवाजे पर अंग्रेजी तोपें गरज रही थी, लाहौरी दरवाजा सर हो चुका था। फतेहपुर मस्जिद के सामने अंग्रेजी घुड़सवार बागियों के साथ लाल होली खेल रहे थे। लाशों के ढेर में से सिपाही चिल्ला रहे थे, लेकिन अंग्रेज बराबर आगे बढ़ते और जिसे भी सामने देखते संगीत से छेदते चले जाते। दिल्ली पर कर्नल वटसन का कमान था। इनके साथ था एक सम्भ्रांत मुसलमान जनाब इलाही बख्श। वो अपने नफीस अरबी घोड़े पर पान चबाते इतराते आगे बढ़ रहा था। लोग उसे देखकर अपने घर में छुप रहे थे। इलाही बख्श वही घायल युवक था जो पिछले 10 वर्ष में अपनी जवां मर्दी और चतुराई से बादशाह का अमीर तथा नगर का प्रभावशाली और प्रतिष्ठित व्यक्ति बन चुका था। अंग्रेजों ने दमदार मुगलों को जहां तोपों और संगीनों की नोकों से वश में किया था, वहीं कुछ संदिग्ध नमक हरामों को अपनी भेद नीति और सोने के टुकड़ों से वश में कर लिया था। इलाही बख्श भी उनमें से एक था। 10 वर्ष पहले शहजादी के कदमों में गिरकर नमक हलाली की जो बात उसने कही थी, उसे अब उसने दरगुजर कर दिया था। दोनों व्यक्ति सराय के सामने जाकर ठहर गए। हौज के पास जहां घंटा घर है, बराबर बराबर फांसियां गड़ी जा रही थी और क्षण क्षण में चारों तरफ गली कूचों से आदमी पकड़कर फांसी पर चढ़ाए जा रहे थे। कुछ खास कैदी इनकी प्रतीक्षा में बंधे बैठे थे। हटसन साहब ने आकर सबको खड़े होने का हुक्म दिया। इलाही बख्श ने उनमें से कुछ मुगल सरदारों और राज परिवार वालों की शिनाख्त की। उन सभी को फांसी पर चढ़ा दिया गया। इसके बाद बादशाह किले से भाग गए। ये बात सुनकर एक फौज की टुकड़ी लिए दोनों तीर की तरह रवाना हुए। बादशाह सलामत जल्दी जल्दी नमाज पढ़ रहे थे।
उनके हाथ कांप रहे थे और आंसुओं से आंसुओं की धारा बह रही थी। शहजादी गुलबानो ने आकर कहा, बाबा जान ये आप क्या कह रहे हैं? बेटी अब और कर ही क्या सकता हूँ, खुदा से दुआ मांगता हूँ, कहता हूँ ऐ दुनिया के मालिक मेरी मुश्किल आसान कर। ये तख्त तैमूर के खून का तख्त तो आज गया है, मेरे बच्चों की जान और आबरू पर रहम बख्श। गुलबानो ने कहा, बाबा दुश्मन किले तक पहुंच चुके हैं, आपके लिए सवारी तैयार है, भागिए। बादशाह ने अंधों की तरह शहजादी का हाथ पकड़कर कहा, भागू कहां? हाय, वो खड़ी अब आ ही गई। किले से निकलकर बादशाह सीधे निजामुद्दीन गए। उस वक्त उनके मुखमंडल की आभा उतरी हुई थी। कुछ खास खास ख्वाजासरा कहारों और इन्हें गिने शुभ चिंतकों के सिवा कोई साथ ना था। चिंता और भय से रह रहकर वो कांप रहे थे, उनकी सफेद दाढ़ी धूल से भर रही थी। बादशाह चुपचाप जाकर सीढ़ियों पर बैठ गए। गुलाम हुसैन चिश्ती सुनकर दौड़े आए। बादशाह उन्हें देखकर खिलखिलाकर हंस पड़े। चिश्ती साहब ने पूछा, खैर तो है? बादशाह ने कहा, खैर ही है। मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था कि ये बदनसीब गदर वाले अपनी मनमानी करने वाले हैं, इन पर यकीन करना बेवकूफी है, ये खुद डूबेंगे और हमें भी डुबाएंगे। वही हुआ, भाग निकले। मुझे तो होनार दिखाई दे गई थी कि मैं मुगलों का आखिरी चिराग हूं, तख्त का आखिरी सांस टूट रहा है, कोई घड़ी भर का मेहमान है, फिर खून खराबा क्यों करूं, इसलिए किला छोड़कर चला है। मुल्क खुदा का है, जिसे चाहे दे जिससे चाहे दे, इसमें अफसोस क्यों? सैकड़ों साल तक हमारे नाम का सिक्का चला, पर अब हवा का रुख कुछ और ही है, वो हुकूमत करेंगे, ताज पहनेंगे। हमने भी तो दूसरों को मिटाकर अपना घर बसाया था। हाँ, आज 3 दिन से खाना नसीब नहीं हुआ, कुछ हो तो ले आओ। चिश्ती साहब ने कहा, सिर्फ बाजरे की रोटी और सिरके की चटनी है, हुक्म हो तो हाजिर करो। वही ले। बादशाह ने शांतिपूर्वक एक रोटी खाकर और पानी पीकर कहा, बस अब हुमायूं के मकबरे में चला जाऊंगा, वहां जो भाग्य में होगा वो होगा। हुमायूं के मकबरे में हसन उलाही बख्श ने आकर बादशाह को गिरफ्तार कर लिया और रंगून भेज दिया। 3 वर्ष बीत गए। अंग्रेजी अमल दिल्ली में जम के बैठ गया था। लाल किले पर यूनियन जैक फहरा रहा था। इलाही बख्श ने बादशाही बख्शीश में बहुत कुछ पाया था। अब वो अंग्रेजी जागीर और मेहरबानी की वजह से आधी दिल्ली का मालिक बन बैठा था। सरकारी नीलामी में सिर्फ मोहल्ले के मोहल्ले कोणियों के भाव पाव थे। अब उसकी बहुत बड़ी अट्टालिका थी। संध्या का समय था। वो अपने हवेली के प्रांगण में तख्त के ऊपर ईरानी कालीन पर एक मकसद के सहारे बैठा अंबारी तंबाकू पी रहा था। साथ में उसके दोस्त जी हुजूरी कर रहे थे। मियां लगता है जैसे बचपन के दिन भूल गए। बहुत ही बढ़िया अथलस के अंगरखे पर कम खाप का नीम अस्तीन पहने था। थोड़ी देर बाद अंधेरे को चीरती एक मूर्ति अग्रसर हुई। लोगों ने देखा वो स्त्री मूर्ति मैला कुचला बुरखा पहने आगे बढ़ रही थी। लोगों ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुकी नहीं, चुपचाप जाके इलाही बख्श के पास खड़ी हो गई। इलाही बख्श ने कहा, क्या चाहती हो? पनाह। कौन हो? आफत की माई। अकेली हो? बिल्कुल अकेली। कोई काम जानती हो? बावर्ची का काम सीख लिया है। उसने दर्द भरी महीन और कंपित आवाज में जो कुछ कहा, इलाही बख्श सोच में पड़ गया। उसने अंदर से नौकर को बुलाया और उस स्त्री को अंदर जाने के लिए कहा और आज का खाना उसी के लिए बनाने का हुक्म हुआ। दस्तरखान सजा हुआ था, दोस्तों का जमघट था, सबने जम के खाना खाया, बावर्चिन की जम के सबने तारीफ की। दोस्तों ने कहा कि भाई उसे बुलाइए, उसे इनाम दीजिए। इलाही बख्श ने बावर्चिन को बुलाया। बावर्चिन बोली, आका से 10 बस्ता अर्ज है कि गैर मर्दों के सामने बेपर्दा में नहीं होंगी, आका की बात और है। दोस्त मन मार के चले गए। इलाही बख्श के दिल में बेचैनी बढ़ती ही गई। एकांत होते ही उन्होंने फिर से बावर्चिन को उड़वा भेजा। बावर्चिन ने कहा, मेरे मेहरबान मालिक, सफर मेहनत और भूख से बेदम तथा कपड़ों से गलीज हूं, खिदमत में हाजिर होने के काबिल नहीं। इलाही बख्श स्वयं भीतर गए और बावर्चिन के सामने जा खड़े हुए, बोले, क्या मैं तुम्हारी मुसीबत की दास्तान सुन सकता हूँ?
ये तो मैं समझ गया कि तुम एक शरीफ खानदान की दुखियारी हो। बावर्चन ने अच्छी तरह अपना बुरका ओढ़कर कहा, मालिक मेरी कोई दास्तान ही नहीं, क्या मुझसे पर्दा रखोगी? ये मुमकिन नहीं। तब क्या आप मुझे देखना चाहते हैं? जरूर। वो फटा और मैला बुरका उन चंपे की सी उंगलियों ने हटाकर नीचे गिरा दिया। एक पीली किंतु अभूतपूर्व मूर्ति जिसके नेत्रों में पानी और होठों में रस था सामने दीख पड़ी। इलाही बख्श ने आंखों से धुंध पोंछकर जरा आगे बढ़कर कहा, तुम्हें आपको मैंने कहीं देखा है? कुछ क्षण मौन रहने के बाद वो बोली, जी जनाब, मेरे दादा जान की मेहरबानी से लाल किले के भीतर जब आप मेरी डोली में लगाए जाने के लिए चाबुकों से लहूलुहान किए गए थे, तब ये बदनसीब गुलबानों आपको तसल्ली देने तक और भी कुछ देने आपकी खिदमत में आई थी। उम्मीद थी मां दौलत की अमानत, खासकर कि वो अमानत जो दुनिया की चीज नहीं, जिसके दाम जान और कुर्बानी है संभाल कर रखेंगे। पीछे ये जानने का कोई जरिया न रहा कि हुजूर ने उस अमानत को किस हिफाजत से कहां छुपा कर रखा। कदर में वो रही या मेरे बाबा जान के तक के साथ, वो भी गई। लाही बख्श का मुंह काला पड़ गया, बदवासी की हालत में उनके मुंह से निकल पड़ा, आप शहजादी कुर्बानो? कुर्बानो ने शांत स्वर में कहा, जी वही हूं जनाब, मगर डरिएगा नहीं, अगर गदर में मेरी अमानत लुट भी गई होगी तो वो मांगने हुजूर की खिदमत में नहीं आएंगी। अब गुलबानो शहजादी नहीं, हुजूर की कनीज है, महज बावर्चिन है। मेरे आका, क्या बांदी के हाथ का खाना पसंद आया? क्या बदनसीब गुलबानो की नौकरी बहाल रह सकेगी? इलाही बख्श बेहोश होने लगे, वे सिर पकड़कर वहीं बैठ गए। गुलबानो ने पंखा लेकर चलते हुए कहा, क्या हुजूर के दुश्मनों की तबीयत नासाज तो नहीं? किसी को बुलाऊं? इलाही बख्श ने जमीन पर गिरकर शहजादी का पल्ला चूमकर कहा, माफ करना शहजादी, मैं नमक हराम। शहजादी ने कहा, मैं जानती हूं, मगर हुजूर ये तो बहुत छोटा कसूर है। क्या हुजूर आप ये नहीं जानते कि औरतें दिल और मोहब्बत को सल्तनत में सबसे बड़ी चीज समझती है? क्या आप यकीन करेंगे 12 साल तक मैं आपकी उस जमीन पर खायल तड़पती सूरत को आंखों में बसाकर जीती रही, जो कुछ बन सका बाबा जान से कहकर किया। मैं जानती थी कि आपसे मिल ना सकूंगी, मगर आपको दुनिया में एक रुतबा देने की हरस थी, वो पूरी थी। इलाही बख्श पागल की तरह मुंह फाड़ कर सुन रहे थे। शहजादी ने कहा, जब बाबा जान ने आपके दगा और अंग्रेजों से मिल जाने का हाल सुना तो दिल टूट गया, मगर उस दिल से अब काम ही क्या, वो टूटे या साबुत रहे अनहोनी तो हो ही गई। एक बार फिर मुलाकात हो गई, जहे किस्मत। इलाही बख्श भागे, वो चुपचाप घर से निकले, नौकर चाकर देख रहे थे, उसके बाद फिर किसी ने उन्हें नहीं देखा।